Assalamu alaikum and welcome back to another video on this channel Do My Thing, जहाँ पे I've been making videos since 2018 and this is my 70th video. Actually a vlog, उसके vlog के अलावा भी मैंने एक दो videos upload किए, but who cares? So this video is about what I did last week. So we went to Pakistani Superstore और उसके अलावा we also went out for breakfast in Khor Fakkan, which was also very interesting. I just actually want to tell you guys, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिन लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं in Dubai, UAE, that we actually have everything we need from Pakistan already in Dubai. पाकिस्तान कराची का सब सामान मिलता है यहाँ पे, खोपरा कैंडी, चिली मिली, पापे, समोसे, मिठाइयाँ, you name it and we have it. तो आप लोगों को पाकिस्तान से पाकिस्तानी कुछ सामान यहाँ भिजवाने की जरूरत नहीं है. सो वी वेंट टू दिस पाकिस्तानी सुपर स्टोर जहाँ से हम लोगों को गोश्त लेना था. बाय द वे मुझे बिल्कुल कोई डिफरेंस पता नहीं चलता अबाउट द पाकिस्तानी गोश्त, क्योंकि आई थिंक ऑल द गोश्त आर सेम, बट काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी गोश्त का टेस्ट डिफरेंट होता है इंडियन गोश्त से. जो लोग खाना वगैरह पका रहे होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है इस चीज़ की, हम खा रहे होते हैं हमें टेस्ट से मतलब होता है. और Honestly, I don't think there is a lot of difference in Pakistani and Indian or Afghani or Bangladeshi meat. Yes, South African meat मैंने खाया है. It's a little more chewy, but taste-wise, I think it's same. इसके अलावा पाकिस्तानी सुपर स्टोर जब हम लोग गए, हम लोगों को कुछ सामान लेना था अपने लिए, गोश्त लेना था और गोश्त के अलावा भी और चीज़ें लेनी थी. तो मैंने वहाँ से रेवड़ियाँ और पापे, पाकिस्तानी पापे, I love पापे, और काफ़ी अरसे बाद खाए पापे तो मज़ा भी आया. तो पाकिस्तानी पापे लिए और हम घूमे पाकिस्तानी सुपर स्टोर में जस्ट टू सी के यहाँ पर और क्या क्या मौजूद है. तो आई एम गोइंग टू शो यू गाइस के पाकिस्तान का क्या क्या सामान यहाँ पे मिल रहा होता है. पाकिस्तानी मैंगोज़ यहाँ पर बहुत मज़े से खाए जाते हैं और वो हर जगह अवेलेबल होते हैं. पाकिस्तानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर. तुरई के अलावा तुरई से पाकिस्तानी सुपर स्टोर पर मिलती है. बट ये देखें आप लोग माहौल पाकिस्तानी सुपर स्टोर का, क्या क्या मौजूद है यहाँ पर. यहाँ पर टैंग मौजूद है, यहाँ पर रफान की पुडिंग, रफान कस्टर्ड, लजीजा की लजीजा शीर खोरमा, लजीजा खीर जो कि ईद के ऊपर बंदा बना रहा होता है. लजीजा इज लाइक द टॉप मोस्ट परचेस्ड शीर खोरमा पैकेट और खीर पैकेट इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे घर में तो बचपन से ही बनता हुआ आ रहा है, लेकिन जब हम छोटे थे तब से ही हम देख रहे हैं लजीजा खीर मिक्स या लजीजा का कुछ आ रहा होता है. एंड ऑल्सो बाई दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे एंड आई डोंट इवन थिंक आई एम ऑन दैट लेवल के कोई स्पॉन्सर करेगा मेरी वीडियो, सो आई टेक दैट बैक. तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद थे. We picked up whatever we wanted और हम वहां से निकल गए. I really like Pakistani Superstore. Though I have a feeling के पाकिस्तानी सुपर स्टोर में चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे लौंग, इलायची और इस तरीके की चीज़ें खाने में डल रही होती हैं. आई थिंक वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं पाकिस्तानी सुपर स्टोर पर, मे बी बिकॉज दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और कोई ड्यूटी वगैरह लग रही होती होगी. तो आप जा सकते हैं पाकिस्तानी सुपर स्टोर अगर आप लोगों को कोई पाकिस्तान की चीज़ की क्रेविंग हो रही है. दे यू, मैंने आप लोगों को बता दिया. Secondly, I wanted to show you guys this area. It's called Al Suhoob Rest Area. It's located in Khor Fakkan. Khor Fakkan एक दूसरी जगह है UAE के अंदर, बिल्कुल आखिरी कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे हम लोग बहुत बार जा चुके हैं. मैं वहाँ पे बीच भी आपको दिखा चुका हूँ and that is the video I regretted. क्योंकि हम ईद के चौथे दिन गए थे और बहुत क्राउड था वहाँ पर. अभी हम लोग जब वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे तो रोड्स वर एम्प्टी. रेस्ट एरिया जो था ब्यूटिफुल रेस्ट एरिया, इट्स 600 मीटर्स अबव सी लेवल. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर बैक अगेन इन दिसंबर और जनवरी, जब मौसम बहुत अच्छा होगा और गर्मी बिल्कुल नहीं होगी. तो तब जाने का वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा. अभी वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे कर रहे हैं, पार्किंग का सेटअप हो रहा था वहाँ पे जब हम लोग गए.
रेस्टोरेंट वॉज ह्यूज मेन्यू के अंदर दे ओनली हैव ब्रेकफास्ट मेन्यू थ्रू आउट द डे लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट यू विल ओनली हैव वन मेन्यू जिसके अंदर यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम ऑमलेट टू आई डोंट नो व्हाट एल्स 5-6 उनके पास एग की ही रेसिपीज थी जो कि आप खा सकते हैं और कुछ डिजर्ट्स और ड्रिंक्स हैं वहां पर जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं इट्स एक्चुअली अ रेस्ट एरिया वो इंजॉय करने के लिए है कि आप जगह देखें व्यू इंजॉय करें रेस्ट करें मौसम का मजा लें अगर अच्छा मौसम है तो फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो हम लोग वहां पर सिर्फ फिगर आउट करने के लिए गए थे कि कैसी जगह है क्या क्या वहां पर मिल रहा है खाने का क्या है सेटअप इट इज वेरी प्राइसी नाश्ता हमने किया था इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल कीपिंग इन माइंड कि हमने अंडे डबल रोटी खाई है जिसका थोड़ा सा फैंसी नाम था बस तो जस्ट कीप दैट इन माइंड मे बी ये लोग अपना मेन्यू थोड़ा सा और बढ़ाएं बाद में मे बी दे आर जस्ट फिगरिंग आउट कि वॉट इज वर्किंग वॉट इज नॉट वर्किंग विद द फूडीज जो कि वहां पर जा रहे हैं ज्यादातर वहां पर अरब कम्युनिटी के मैंने लोग देखे थे इट्स अ वेरी क्लीन एंड वेरी ओपन एरिया इसका शेप इस तरीके का है कि आपको लगता है कि ये कोई स्पेसशिप है जिसने खुरफकान के एक माउंटेन के ऊपर लैंड कर लिया अंदर जाने के बाद काफी ओपन स्पेस है सोशल डिस्टेंसिंग का एज यूजुअली यहाँ पर सबने ख्याल रखा हुआ है और हर जगह पे कैक्टस रखे हुए हैं टेबल के ऊपर विच आई एब्सोल्युटली लव्ड कैक्टस That was a selling point. I just enjoyed and had the expensive breakfast and that's it. क्योंकि बाहर गर्मी हो रही थी अंदर बहुत अच्छा माहौल था हमने सिर्फ जगह को enjoy किया खाना वाना खाया और हम वहां से भी निकल कर आ गए So Khorfakkan is actually very far from where we live. But long drive का scene था तो long drive भी हो गई नाश्ता भी हो गया enjoy भी कर लिया सुबह सुबह गए थे तो इतना बुरा मौसम भी नहीं था तो दैट इज इट दिस वॉज द वीडियो आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए व्यूज तो मेरी वीडियोस पे इतने आते नहीं है तो आप लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है आई डोंट सीम टू फिगर इट आउट मे बी आई डोंट केयर मे बी आई डू बट इट विल बी वेरी गुड फॉर मी टू नो सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद माय वीडियोस और व्हाट डू यू थिंक इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट विद माय वीडियोस कुछ भी बता सकते हैं बाय द वे स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो जो कि मैं बना रहा हूँ पेंटिंग की पेंटिंग एक और बन रही है होपफुली यू विल ऑल्सो गेट टू सी दैट सून इसलिए मेरे हाथ पे पेंट लगा हुआ है Bye. I will see you in the next one. This is Usama Siddiqui and that's how I do my thing.